स्कूल ऑफ टेरानस में आप सबका स्वागत है। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सबों को आशीष दीजिए प्रभु, और जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरे विश्व भर में प्रभु उन सबों को आशीष दीजिए, और जो कोई प्रभु इस वीडियो पॉडकास्टिंग को देख रहे हैं उन सबों को आशीष दीजिए। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं बता दूं कि मेरी किताबें किंडल वर्जन और पेपरबैक वर्जन में अमेजोन और इत्यादि वेबसाइट्स में अवेलेबल है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप किताबों को खरीद सकते हैं। हम प्रकाशित में हैं, और आज हम प्रकाशित का पहला अध्याय का दूसरा वचन को हम देखते हैं। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीहा की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी। दानियल को सबसे पहले प्रकाशित दिया गया था, और प्रकाशन का बहुत सारा हिस्सा दानियल को दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने दानियल को कहा था कि इस एपोकैलिप्सी को व्यतीत नहीं करने के लिए, बाहर प्रकट नहीं करने के लिए, और उसे उस पर मोहर लगा देने के लिए उन किताबों को, क्योंकि ये अंत दिन में खोला जाएगा। अंत दिन में कब? दानियल के आखिरी किताब में, आखिरी अध्याय में अगर आप पढ़ सकते हैं, जब मानवीय ज्ञान बढ़ जाएगा इस संसार में, उस समय इस एपोकैलिप्सी को बताया जाएगा। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, देवदूतों के द्वारा यूहन को दिया गया इस प्रकाशित को। और इस प्रकाशित को सिर्फ दिया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, बल्कि उसको प्रकट करने का भी परमेश्वर ने अनुमति यूहन को दिया। जब इज़राइल में पतरस के बाद नया नियम का कलीसिया को याकूब ने चलाया, याकूब यीशु मसीह के भाई थे, फिर याकूब को मंदिर में मार दिया गया। वो था यरूशलेम में 65 AD में याकूब को मार दिया गया था, ईसा पूर्व 65 में। जब याकूब को मार दिया गया था, उसके बाद याकूब के स्थान पर योहन्ना कलीसिया के अध्यक्ष बने, या कलीसिया के पास्टरी बने। उसके बाद यहूदियों का रिवोल्ट, ज्यूइश रिवोल्ट, यानी जिसको ज्यूइश रिवोल्ट कहा गया है, यहूदियों का कहर उत्पन्न हुआ, और वो भी 67 AD में। और उस समय में, उसके बाद योहान ने इस कलीसिया को, नए नियम के कलीसिया को चलाया, और सिटी ऑफ पेला नामक शहर में उनका कलीसिया था। योहना जब 70 साल की उम्र में थे, तब योहना एशिया के रोमियो प्रांत पर, जो टर्की है, आज के युग का जो टर्की है, वो 70 AD में योहना वहाँ आए। योहना इफिसुस के कलीसियाओं को चलाए। ये इफिसुस के कलीसियाएँ को शुरू किया अपोस्तल पौल ने, और अपोस्तल पौल के बाद इस कलीसियाओं को तिमोथी को दिया गया, जो अपोस्तल पौल का आत्मीय बेटा था। और तिमोथी का जब मार्टियर्डम हुआ था, यानी प्रभु के लिए उसे मार दिया गया था, तब इन कलीसियाओं को योहान इन कलीसियाओं को अधिपति बनते हुए हम देखते हैं, इन कलीसियाओं को चलाते हुए हम देखते हैं। और ये सात कलीसियाओं के बारे में हम योहान बात करते हैं प्रकाशित में, जो पूर्वी ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में, भूमध्य सागर, मतलब पूर्वी भूमध्य सागर में, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में इन कलीसियाओं को, सात कलीसियाओं को हम देख सकते हैं। आज हम देखते हैं एक विषमता, उत्पत्ति 1-2-3 अध्याय और प्रकाशित 22 में। पहला, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ये हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का पहला वचन में। फिर प्रकाशित का 21वां अध्याय का पहला वचन में हम देखते हैं कि हमने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, प्रकाशित में हम पढ़ते हैं। अंधकार को उसने रात कहा, हम उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 5वां वचन में हम पढ़ते हैं। और प्रकाशित का 21वां अध्याय का 25वां वचन में हम देखते हैं कि अंधकार ही नहीं है, तो स्वर्ग में अंधकार नहीं है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर के प्रकाश से पूरा उज्ज्वल होता है, तो वहाँ रात नहीं है, अंधकार नहीं है। परमेश्वर ने दो बड़े
तारागण को बनाया, एक सूरज जो दिन पर प्रभुता करता है और चांद जो रात पर प्रभुता करता है, उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 16 वचन में। लेकिन हम जो प्रकाश में देखते हैं कि वहां पर सूरज नहीं है और वहां पर चांद नहीं है, प्रकाशित का 21 का 23 में हम देखते हैं देयर इज नो सन एंड देयर इज नो मून। तो जैसा मैंने पहले बताया, परमेश्वर के शरीर से और निकलने वाले प्रकाश से ही पूरा स्वर्ग प्रज्वलित है। और उस दिन जब तुम फल खाओगे तो तुम जरूर मरोगे, उत्पत्ति ग्रंथ का 2 अध्याय का 17 वचन में। लेकिन प्रकाशित का 21 का 4 में हम देखते हैं कि तुम कभी ना मरोगे और मौत तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करेगा। तो स्वर्ग में कोई मौत नहीं है। शैतान, उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय का 1 वचन में शैतान आता है मनुष्य को बहकाने के लिए, और प्रकाशित का 20 का 10 में शैतान हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा सामने से, फिर शैतान कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको अनंत काल का दंड दिया जाएगा, अनंत काल के नरक में उसे डाल दिया जाएगा। तो उसके बाद और कोई परीक्षा शैतान की ओर से या दुष्ट आत्माओं की ओर से हमें स्वर्ग में हमें नहीं सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एदेन के वन में पाप प्रवेश किया, उत्पत्ति ग्रंथ का 3:6-7 में। और प्रकाशित का 21:27 में हम देखते हैं कि वहाँ पर डिफाइलमेंट नहीं रहेगा, किसी भी तरीके का पाप प्रवेश नहीं कर पाएगा, किसी भी माने पाप उस स्थान में स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य परमेश्वर के साथ चलना वो रुक गया, क्योंकि मनुष्य पाप में गिर गया, उत्पत्ति ग्रंथ का 3:8-10। लेकिन प्रकाशित का 21:3 में हम देखते हैं कि फिर वापस मनुष्य का परमेश्वर के साथ चलना, वापस उस रिश्ते को स्थापित किया जाएगा। हम देखते हैं कि शैतान राज्य करने लगता है, उत्पत्ति ग्रंथ का 3:30 में, और शैतान मनुष्य को बहका कर मनुष्य के ऊपर प्रभाव करना शुरू करता है। और हम यहाँ देखते हैं प्रकाशित का 20:10-22:3 में मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का मेमना शैतान के ऊपर राज्य करता है, शैतान को मात देता है, शैतान को हरा देता है, हम यहाँ देखते हैं। तो उत्पत्ति में शैतान ने मनुष्य को हरा दिया, और प्रकाशित में हम देखते हैं परमेश्वर शैतान को हरा देता है। उत्पत्ति ग्रंथ का 3:16 में हम देखते हैं कि दुख बढ़ जाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दुख को बढ़ा दूंगा, औरत को जब वो गर्भ प्रसव करती है कहती है कि तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। लेकिन प्रकाशित का 21:4 में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई दुख नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई आंसू नहीं रहेगा, और वहाँ पर कोई दर्द नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई रोना नहीं रहेगा, वहाँ पर सिर्फ चंगाई रहेगा। श्राप के बारे में हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ का 3:17 में श्राप, भूमि को श्राप दिया गया, और प्रकाशित का 22:1 में देखते हैं कि श्राप वहाँ नहीं है, श्राप को हटा दिया गया, वहाँ कोई चीज़ श्रापित नहीं है, स्वर्ग में कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति श्रापित नहीं है। हम उत्पत्ति ग्रंथ का 3:19 में देखते हैं कि मनुष्य का अधिकार, पहला मनुष्य का अधिकार, आदम का अधिकार टूटते हुए पाप के कारण। लेकिन हम प्रकाशित का 22:5 में देखते हैं कि मसीह के द्वारा फिर से मनुष्य को अधिकार पूर्ण प्राप्त होते हुए हम यहाँ देखते हैं। हम पहला पैराडाइज को हम यहाँ देखते हैं, पहला पैराडाइज को जो उत्पत्ति ग्रंथ का 3:23 में हम देखते हैं, जो पहला पैराडाइज मतलब एदेन का मतलब है आनंद का स्थान, जिसे हम पैराडाइज कहते हैं। वो बंद हो गया, परमेश्वर ने उसे बंद कर दिया और मनुष्य उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन प्रकाशित का 21:25 में अगर हम देखते हैं कि नया पैराडाइज खुल रहा है, नया आनंदित स्थान खुल रहा है, जहां मनुष्य एक बार जाएगा फिर कभी वहां से वापस नहीं आएगा, वो अनंत आनंद में प्रवेश करेगा। हम यहाँ देखते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ का 3:24 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य को जीवन के वृक्ष से परे कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ताकि मनुष्य अभी ज्ञान बुद्धि और ज्ञान का, अच्छे और बुरे का, ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया, अभी कहाँ मनुष्य जीवन का वृक्ष खाएगा कर उसे एदन के वन से निकाल दिया गया, जीवन के वृक्ष से वंचित कर दिया गया। लेकिन हम प्रकाशित का 22:14 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा फिर से जीवन के वृक्ष का फल खाने का मौका मिलेगा मनुष्य को। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ का 3:24 में कि जैसे मनुष्य ने पाप किया
तो मनुष्य परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समहुक से निकाल दिया, अपने उनके उनके स्थान से हटा दिया, मतलब फ्रॉम हिज प्रेजेंस परमेश्वर ने हटा दिया। लेकिन प्रकाशित का 22 का 4 जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हम सदैव परमेश्वर के मुख को नए जीवन में देख सकते हैं, स्वर्ग में हम देख सकते हैं, हमेशा परमेश्वर का मुख हमारे सामने रहेगा। तो मैं ये बता दूं कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वर्ग बहुत ही बढ़िया स्थान है। वहाँ ना मौत है, वहाँ ना पाप है, वहाँ ना शैतान है, वहाँ पर ना आंसू है, वहाँ पर ना दुख है। वहाँ पर हमें बहुत सारी उपलब्धियाँ भी प्राप्त होंगी, परमेश्वर के साथ कभी ना टूटने वाला रिश्ता, और जीवन के वृक्ष का फल खाने का मौका, और निरंतर प्रभु को देखने का और प्रभु के साथ रहने का अनुभव हमें प्राप्त मिलेगा। लेकिन स्वर्ग तभी हमें प्राप्त होगा जब हम इस जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।